कह रहे साथियों संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हो। और प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा जाएगा। प्रथम पाली में आपका विषय कोड जो है ना 105 रहेगा, सेकंड पाली में 205 रहेगा प्यारे बच्चों। और इसमें देखिए सेट ए है, बट प्यारे बच्चों सारे सेट में ना सेम टू सेम ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। आप देख लीजिए टोटल जो ना 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 50 बनाना आपको पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें टाइम वगैरह की बात करें तो 2-3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बता देता हूं। यहां देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 1 से लेकर 100 तक, जिसमें से आपको 50 प्रश्न को ही बनाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला है, पहला नंबर प्रश्न बोला है कि उच्चारण प्रक्रिया का जो है ना ज्ञान किस शास्त्र से होता है, तो यह शिक्षा से, तो ऑप्शन ए होगा। दो नंबर क्वेश्चन का नोट करिए प्यारे बच्चों, दो नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो आप दोनों का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा नित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ना जगन्नाथ में कौन सा संधि है, तो 3 का नोट करिए, ऑप्शन बी होगा व्यंजन का। फटाफट से प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। पूछा गया पुष्पाश्रिता निम्न में से किस वर्णों की संधि से हुई है, तो आप ए नोट कर लेना, ओ प्लस आ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया राष्ट्रपति में जो है ना राष्ट्रपति का बिगड़ा क्या होगा, तो बिल्कुल आप 5 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों सी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर 6 बोला है सम में कौन सा उपसर्ग नहीं शब्द है, ठीक है बिल्कुल, तो 6 का नोट करिए, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या प्रश्न बोला गया है, 7 नंबर प्रश्न बोला गया है कि ठीक है ना ट्रायाना में ट्रायाना फालाना जो ना फालानम सलाह या किस समस्त पद का होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप 7 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा टिली फला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न बोला गया है पटना में किसके समय जो ना कैमुदनी महोत्सव मनाया जाता था, तो बिल्कुल आप नोट करिए, 8 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पटना का प्राचीन नाम कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल आप 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये आपका क्या जाएगा मोदलमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 10 नंबर बोला गया है मेगास्टेंज कहाँ का राजदूत था, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है नहीं यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरणमयन पाटरेन डैश डैश सत्य धर्माय दृष्टे निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा ईर्ष्या से उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिए प्यारे बच्चों 12 नंबर की मंगम्मा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिए प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है जो ना उत्सवाचर्य में का क्या संधि विच्छेद होगा, तो बिल्कुल आप 13 का नोट करिए, ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया 14 नंबर अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप यहां पर नोट करेंगे 14 का, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 15 नंबर बोला गया है गोलगृह में कौन सा समास होगा, ठीक है, तो बिल्कुल 15 का ऑप्शन नंबर आप बी नोट कर लीजिए, कर्मधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 16 नंबर बोला गया निर्धारण का और निर्धारण के अर्थ में कौन सा विभक्ति है, तो 16 का ऑप्शन नंबर जो ना सी बिल्कुल सही होगा, सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि पृथक जो ना पृथक भया के योग से कौन सा विभक्ति है, तो 17 का ऑप्शन नंबर होगा तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों यहां पर 18 नंबर बोला गया कि जो ना पितरी में कौन सा अक्षर जो ना किस कौन सा शब्द का रूप है, तो बिल्कुल आप 18 का नोट करिए, ऑप्शन बी होगा पितरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिए प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न बोला गया खाद जो ना किस लकार का रूप है, तो बिल्कुल 19 का जो है ना ऑप्शन नंबर आप सी नोट कर ये लोट लकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिए प्यारे बच्चों 20 नंबर बोला गया कि भवानी में कौन सा स्त्री पड़ता है, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खराना में कौन सा पड़ता है, तो 21 का आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लयट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों यहां पर 22 नंबर बोला गया है जो ना तमप में कौन सा प्रत्यय का पद है, तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर नोट करिए, ऑप्शन ए होगा शोभनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरेश्वर में कौन कैसा मंत्री था, तो बिल्कुल जो है ना वो दयालु थे, तो ऑप्शन 22 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या प्रश्न बोला गया है, आप जल्दी से देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों यहां पर ना 24 नंबर प्रश्न के आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो यहां पर बिल्कुल आप नोट करेंगे 24 का, तो ऑप्शन होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या प्रश्न बोला गया है, संस्कृत साहित्य कैसा है, तो बिल्कुल आप 25 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों बी होगा, बिलुप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विपुल अगली क्वेश्चन बोला गया है कि वृद्धामवी का प्रत्यय किसकी रचना है, तो आप 26 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिए प्यारे बच्चों प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है गायंती देवा किल डैश डैश पुरुष सुटवारा या किस कहां से संकलित है, तो 27 का ऑप्शन नंबर जो ना ये बिल्कुल राइट होगा, विष्णु पुराण से। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों भारतीय धारा कैसी है, तो 28 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 29 नंबर बोला गया है बाल प्लस टॉप से कौन सा जो ना पद बनेगा, तो बिल्कुल आप 29 का सी नोट कर लेना, नोट सी नोट कर लेना या बाला होगा। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 30 नंबर बोला गया है प्रश्न की नमा धातु के लिट लकाल का रूप क्या होगा, तो 30 का ऑप्शन डी नोट कर
कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 31 नंबर बोला गया है, किस शब्द में अनिर्णय होगा प्रत्यय, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 31 का ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर 32 नंबर है जो है ना, मनुष्य तयम में कौन सा पद्धति पड़ता है, तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बोला जा रहा है त्रय में कौन सा प्रत्यय अव्ययी भाव नहीं है, आप 33 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न बोला गया है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों जो है ना क्यों किया जाता है, तो बिल्कुल आप नोट करिए, इसका ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के लिए। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 35 नंबर बोला जा रहा है कि गुरु जो है ना गुरु किसे शिष्य जो है ना गुरु से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का संस्कार को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल आप 35 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, समापवर्तन होगा। अगले क्वेश्चन है कि लाजा जो ना लाजा होम किस कांड का संस्कार है, तो आप 30 का नोट करेंगे, 35 का नोट करेंगे ना, 36 है प्यारे बच्चों, तो 36 का ऑप्शन नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों यहां पर ना 37 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसका उच्चारण प्रसिद्ध है, तो आप 37 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि कृष्ण विज्ञान जो ना कृषि विज्ञान का प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो 38 का बिल्कुल ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रश्न देखना, प्रश्न बोला गया कि आज मानवता के विनाश का भाई किससे है, तो बिल्कुल आप नोट करिए, इसका ऑप्शन जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है करोना से क्या होता ही है, तो बिल्कुल आप 40 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शांति। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न 41 नंबर की वर्ण जो है ना कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगली क्वेश्चन है जो है ना ददातु किसका कथन है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या बोला गया है, प्रश्न बोला गया है कि पठन किससे बना है, तो बिल्कुल आप नोट करिए, 43 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है पुराना प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा, तो बिल्कुल आप 44 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रश्न बोला गया है दा प्लस कटुआ से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बिल्कुल 45 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है संख्या पूर्वो द्विगुत समाज का उदाहरण क्या है, तो 46 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या बोला गया है, प्रश्न बोला गया है कि ऊ प्लस अ से कौन सा वर्ण बनेगा, तो 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न बोला गया है, प्रश्न बोला गया है कि जो है ना बस दुई चित्रम में कौन सा संधि है, तो आप 48 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 49 नंबर बोला गया है जो ना राघव शिक्षिता संस्कृत पठानी वाक में शिक्षात जो ना इससे कौन सा विभक्ति सूत्र बनेगा, तो 49 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो ना प्यारे बच्चों बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ना 50 नंबर प्रश्न बोला गया है किस कारक में जो ना पंचमी विभक्ति है, तो बिल्कुल 50 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा अपादान का। क्या होगा प्यारे बच्चों, अपादान का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इसका आप आंसर कहां से डाउनलोड करेंगे। अब जो है ना प्यारे बच्चों इसका आगे जब हम जो ना आगे हम लोग लाइव आएंगे प्यारे बच्चों कुछ देर में, तो लाइव हम लोग 6:30 बजे आ रहे हैं, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, शाम में हम लोग ना 6:00 बजे आ रहे हैं 6:30 बजे, तो उस टाइम आप लाइव आइए, उसमें हम लोग इसके आगे आंसर की करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और चलिए इसका आंसर की कहां से डाउनलोड करना है वो भी जान लें। तो प्यारे साथियों आंसर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ना आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को जो है ना प्यारे बच्चों ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार का आपको आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो फटाफट से चैनल का नाम आपको सर्च कर लेना है। देखिए प्यारे बच्चों मात्र आपको चैनल का नाम सर्च करना है, जो कि चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और फर्स्ट में जो है ना प्यारे बच्चों आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे आना, देखिए आपको प्यारे बच्चों आना है कहां, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए तो आंसर की आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा। देखिए आंसर की है ना यहां पर, देखिए प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड 17 फरवरी संस्कृत क्लास 10th बायडल पेपर A2Z आंसर की, सारे सब्जेक्ट का ना आंसर का आपको यहां पर देखने को मिलेगा, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों यहां पर देखिए ये आ गया संस्कृत का बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों वायरल पेपर का आंसर की आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, दोनों सेटिंग का, ठीक है, दोनों सेटिंग का मिलेगा। अब आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे बढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अपना सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारे बच्चों हम ना यहीं पर आंसर डालेंगे, तो यहीं से आकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।